जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक कृषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको सन 2020 के भविष्य का फल बता रहा हूँ। आप इसे अपने नामाक्षर से देख सकते हैं। अगर आपका जन्म डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ यह सही हो तो आप हमारी कुंडली ऐप के द्वारा, वैदिक ऋषि का कुंडली ऐप है, उसे डाउनलोड करके आप उसमें डेली का प्रिडिक्शन भी आप देख सकते हैं, फलादेश देख सकते हैं। तो आज मैं आपको वृषभ राशि के विषय में बता रहा हूँ। वृषभ राशि का जो अक्षर प्रारंभ होता है ई उ ए ओ वा वी बू बे बो, वो इन अक्षरों से किसी का नाम अगर प्रारंभ होता है तो उनका वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि के लिए पहला जनवरी का महीना कैसा जाएगा? जनवरी के महीने में ध्यान रखें कि सरकारी निर्णय से ये दुखी हो सकते हैं। स्त्री का स्वास्थ्य इनका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इनकी समस्याएं रहेंगी। नाभि के आसपास रोग होने की संभावनाएं विशेष प्रबल हैं। पेट संबंधी समस्याएं, जांघों में पीड़ा का ये प्रबल योग चल रहा है। पत्नी को लेकर के ज़्यादा परेशानी का योग बनेगा। स्वास्थ्य पे निरर्थक व्यय न करें जब तक कि आप ढंग से चेकअप न करा लें। फरवरी का महीना कैसा जाएगा आपके लिए, ध्यान रखें आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को आनंद देंगे। यहां पे ध्यान रखें कि रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। विरोधियों द्वारा पीड़ा सहन करना पड़ेगा आपको। उपार्जित धन का सदुपयोग करें, परेशान न हो। आपका मार्च का महीना ध्यान रखें कैसा जाएगा, निरर्थक वाद विवाद से बचे। नौकरी पेशा के जातक को सुखद अनुभव मिलेगा। जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं उन योजनाओं को के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार में खर्च होगा पर धनार्जन भी होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो धनार्जन भी होगा खर्च करने पर। आपका अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, रुके हुए कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। विरोधक तत्व जो है आपके अगल बगल वह परास्त होंगे, जिससे आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। अकस्मात निरर्थक व्यय बढ़ सकता है। शरीर के निचले हिस्से में पीड़ा होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए सजगता बरतें। आपका मई का महीना कैसा जाएगा, मई के महीने में शरीर के ऊपरी भाग में पीड़ाओं की संभावनाएं ज्यादा हैं। नौकरी व्यवसाय में सफलता प्राप्ति का योग है, विशेष मिलेगा। किसी से निरर्थक वाद विवाद न करें जिससे अनायास अपमानजनक स्थिति का निर्माण हो और वह आपको अपमानित करे। आपका जून का महीना कैसा जाएगा, जून का महीना नौकरी या व्यवसाय वालों के लिए विशेष सफलतादायक है। कानूनी अड़चनें आएंगी, कानूनी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। स्वबंधुओं के तरफ से बिना कारण भय का भी आवागमन होगा। विरोधी कुछ भी कर ले मोखी खाएंगे, आपका विरोध करेंगे और परास्त होंगे, यह निश्चय है। आपका जुलाई का जो महीना है वो कैसा जाएगा, हर क्षेत्र की तरफ से, हर तरफ से चतुर्दिक आपको लाभ की प्राप्ति होगी, लाभ के योग बन रहे हैं। मित्रों के सहयोग से भी लाभ की प्राप्ति का योग बन रहा है, सम्मान मिलेगा। कानून का पालन आपको अवश्य करना है, शत्रु आपके पराजित होंगे और जो भी शत्रु बनेगा वह निश्चित ही मुंह की खाएगा। अगस्त का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, इसमें आपका ध्यान रखना है कि मान सम्मान में कमी होगी,
कमी का योग बनेगा। व्यापार में अच्छा लाभ, मित्रों के सहयोग से भी लाभ की प्राप्ति होगी। अपने कार्य के प्रति आपको सदैव सतर्क और सजग रहना है, आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहना है। आपकी सितंबर का महीना कैसा जाएगा? विपरीत परिस्थितियों से आपका मन खिन्न रहेगा, आप उदास और अन्वयस्कता महसूस करेंगे। निर्णय अपने बुद्धि विवेक से अवश्य लें। पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, मित्रों से सहयोग, हर प्रकार का सहयोग, चाहे धन का हो या शारीरिक हो या मानसिक हो, सब सहयोग आपको मित्रों से मिलेंगे और आप मित्रों के बदौलत आगे भी बढ़ेंगे। इसलिए मित्रों से किसी प्रकार का विरोध न हो, इसका आपको सदैव ध्यान रखना है। अक्टूबर का महीना आपका कैसा जाएगा? मित्र बंधुओं के सहयोग से सफलता की प्राप्ति, शत्रु परास्त होंगे, विरोधी मुंह की खाएंगे, यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त होगा, जमीन मकान इत्यादि से धन की प्राप्ति का योग बना हुआ है। नवंबर का महीना आपके लिए यह कोर्ट कचहरी के कामों में निरर्थक धन का व्यय करने का योग बना हुआ है। बाहर जाने का अवसर तो मिलेगा, घर में संतान सुख, बंधुओं के भी सहयोग से लाभ की प्राप्ति का योग बना हुआ है। आपका दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है? ध्यान रखें कि दिसंबर के महीने में बाहर के भोजन से बचें, अन्यथा पेट का रोग और पेट में इन्फेक्शन होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ रही हैं। शोक समाचार भी प्राप्त होने की योग बने हुए हैं। मित्रों के सहयोग से, स्वजनों के सहयोग से आगे बढ़ने का योग भी मिलेगा और लाभार्जन का भी योग बना हुआ है। इस प्रकार से अगर इस महीने में आपको किसी भी प्रकार से पीड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा हो तो गर्म पानी का सेवन विशेष तौर से करें और ध्यान रखें आपका मित्र आपसे नाराज न होने पाए। जय श्री राम।